हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेलवे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ दो ट्रेन है, एक समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, जिसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से भी बुलाया जाता है, और यह ट्रेन बाई वीकली ट्रेन है। थर्सडे और मंडे को दिल्ली से चलती है। और थार एक्सप्रेस को चलाने से पहले ये एक ऐसी पहली ट्रेन थी जो पाकिस्तान को जोड़ती थी, और समझौता एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से लाहौर तक दो भाग में पहुंचाती है। और यह ट्रेन पहले पुरानी दिल्ली से अटारी जाती है, और अटारी रेलवे स्टेशन पे यात्री उतर जाते हैं, और वहाँ पे यात्रियों का सिक्योरिटी चेक होता है, और यात्रियों का पासपोर्ट फिर से चेक होता है, फिर यात्रियों का इंडियन ट्रेन में वहाँ सफ़र ख़त्म होता है, फिर यात्री पाकिस्तान ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर ये ट्रेन बागा में रुकती है, और वहाँ यात्रियों का फिर से पासपोर्ट चेक किया जाता है, फिर ये ट्रेन सीधे लाहौर पहुँचती है। और ये ट्रेन को पुरानी दिल्ली से अटारी, अटारी से लाहौर के बीच कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं थार एक्सप्रेस के बारे में। थार एक्सप्रेस, जो भारत की शानदार रेगिस्तान से होकर पाकिस्तान को जोड़ती है, ये दूसरी ट्रेन है जो भारत को पाकिस्तान से जोड़ती है। ये ट्रेन का निर्माण 1892 में पाकिस्तान के हैदराबाद से लेकर भारत के जोधपुर तक हुआ था। उस समय ये ट्रेन को सिंध एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, और ये वीकली ट्रेन है, शुक्रवार को पाकिस्तान से चलती है। और ये ट्रेन पाकिस्तान में कराची से लेकर खोकरापुर तक चलती है, और भारत में मुनाभाव रेलवे स्टेशन से लेकर भगत की कोठी तक चलती है, जिसे थार लिंक एक्सप्रेस के नाम से बुलाया जाता है। और भगत की कोठी से लेकर मुनाभाव रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन का नंबर है 14889-14890, और पाकिस्तान में ये ट्रेन का नंबर है 405 up 406 down। ये ट्रेन कराची से लेकर जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन तक 381 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 घंटा 5 मिनट में पूरी करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।